करने से पहले मैं अशर से तो बहुत टाइम पहले ही मिल चुकी थी. सो वी आर प्लानिंग कि कुछ करेंगे. सो मुझे भरोसा था अशर के, मैंने पहले भी गाने सुने थे. सो आई जस्ट वांटेड टू वर्क विद हिम बिकॉज ही इज़ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग. एंड फिर अमरावती में शूट था एंड देन एवरीवन वाज सो हम्बल एंड स्वीट. और बस यही था, मुझे अशर के साथ काम करना था एंड आई जस्ट वांटेड टू डू अ सॉन्ग विद हिम, देखने के लिए कि हाउ एवरीथिंग गोज. देखिए इसके दो रीजन्स है. एक तो मैं, जैसा सिमरन ने बताया कि वी वर ट्राइंग टू वर्क ऑन सम प्रोजेक्ट, और जब खामोशी की बात आई थी देयर वाज द फर्स्ट नेम इन माय माइंड वाज सिमरन. द रीज़न वाज के एक तो स्टोरी के हिसाब से वी वर गोइंग परफेक्ट. डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट थी कि यू नो थोड़ा सा मैंने हैप्पी एंड क्यूट फेस भी चाहिए था, और थोड़ा यू नो जैसे रिक्वायरमेंट्स थी डायरेक्टर की. एंड दैट्स हाउ वी मेट. एंड डायरेक्टर को पसंद आया, होल फॉर्मेट वॉज गुड, फरीदून जी ने ओके किया वहाँ से. तो आई एम रियली हैप्पी दैट इट केम आउट वेरी नाइसली. मैं तो डरा हुआ हूँ ऑनेस्टली, क्योंकि मैं हर बार लास्ट टाइम भी जब सब लोग से मुलाकात हुई थी तो यही सवाल उठे थे कि कुछ ट्रेंडी बनाइए, ये बनाइए. मेरा ये मकसद होता है हमेशा कि एज अ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हम लोग को बहुत छूट होती है बनाने की, जो कि फिल्म में आप यू नो आप जब कमर्शियली घुसते हो तो नहीं होती. इंडिपेंडेंट में एक ये हो जाता है कि यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू. सो जैसे मैंने कहा कि ये गाना नहीं है, आपने सुना होंगे इसमें अल्फाज बहुत कम है, लिमिटेड है, जो अल्टीमेटली यू नो यूएई में या पाकिस्तान में इस तरफ में ज़्यादा होता है कि पोएट्री बेस्ड गाने जो होते वो आते हैं बाहर. सो दिस वॉज द सेम थिंग, देर वॉज लाइक 4 to 6 lines written and that's how we wanted to compose the song. So I'm a bit of nervous. Let's see, ये एक तरीके से experiment था कि musically, video तो खैर मैंने बनाया presentable, but musically people कितना लोग इसको accept करते हैं, that I have to see. And I would request everyone to at least you know go through the whole video instead of just judging it within a 30 seconds or 1 minute. And मतलब काफ़ी time ऐसा भी हुआ है कि हम लोग shoot कर रहे हैं आउटडोर एंड सर पे इतनी ज़्यादा गर्मी है, और हम लोग मुझे याद है हम लोग बाइक सीक्वेंस कर रहे थे, तो करते करते मेरे अशोक का बहुत प्यास लग रही है, अब नहीं कर पाऊँगी. फिर अशोक ने बाइक रोकी एंड देन ही वेंट टू लाइक ब्रिंग द वाटर. सो ऐसे बहुत थे बेसिकली. मेरे लिए थोड़ा सा इनकन्वीनियंस था शूट में, लेकिन एवरीथिंग वॉज गुड. एक्चुअली फरीदून जी गाते हैं काफ़ी, उनके काफ़ी सारे गाने आ चुके हैं पहले, और ये भी सारे पोइट्री बेस्ड ही होते हैं. तो एक हो जाता है ना कि राइटर जब खुद अपनी आवाज़ में गाता है किसी चीज़ को, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पोइट्री, तो कोई और उसको मेरे हिसाब से वो फील नहीं दे पाता अगर मैं भी उसको गाता या कोई और गाता. बट हाँ, ही वॉज़ वेरी सपोर्टिव. ही ऑलवेज वॉन्टेड टू सिंग दिस वन एंड ही डिड इट इन वन टेक. और जो तानिया है जिन्होंने फीमेल वोकल्स में वॉइस दी है, जिन्होंने पूरा वोकल प्रोग्रामिंग किया बेसिकली, वो उस वक्त आई हुई थी इंडिया न्यूयॉर्क से, और शी वॉज़ वेरी काइंड टू, उन्होंने 2 दिन का वक्त लेके इसको फटाफट से वोकल डिज़ाइनिंग और ये सब किया. तो आई थिंक वो बहुत मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था कि फरीदून जी की ही आवाज़ रहे इसमें, और इवन ही इज़ हैप्पी विद द प्रोडक्ट. यार मेरा वतन है, और कोई एक प्रोजेक्ट मैं देख रहा था कि वॉट कैन आई शूट देयर इन माई होम टाउन. और जैसे आपको पता है कि विदर्भ जो है, नागपुर और अमरावती, दिस इज़ लाइक द मेन सेंटर पार्ट ऑफ होल इंडिया. तो देयर इज़ लॉट ऑफ ग्रीनरी ओवर देयर, और कुछ जैसे वो बाइक लोकेशन जो आपने देखी, छोटा सा हिल स्टेशन है वहाँ पे चिकलदरा. तो आई वॉन्टेड टू डू देयर समथिंग, बट अल्टीमेटली मेरी टीम शुभा मिजियार एंड एवरी वन हु वर्कड ऑन द सॉन्ग, दे वो वेरी क्विक. हम एक हफ्ता पहले पहुँचे अमरावती, एंड उसी में हमने 3 दिन पहले रेकी करी एंड देन वी वेंट फॉर द शूट. सो इट वॉज वेरी हार्ड एंड फास्ट, बट चूँकि मेरी टीम इतनी अच्छी थी, लाइक आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट कि मेरी जो
एंड एवरीबडी वॉज लाइक द होल टेक्निकल टीम डी ओ पी यहाँ से सिर्फ सिमरन मैं डायरेक्टर साहब और एसोसिएट मैम गए थे बाई द होल टीम वॉज फ्रॉम माई अमरावती एंड दे डिड अ फैबुलस जॉब आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव देम मेरा तो बहुत ही खराब एक्सपीरियंस था नहीं नहीं मतलब लाइक सब सही था बट शी वॉज वेरी अपसेट विद द धूप एक्चुअली वी वर शूटिंग इन मार्च एंडिंग अप्रैल फर्स्ट वीक इट वॉज लाइक ये सारे हमने 42-43 डिग्रीज में शूट किया है विदाउट लाइक यू नो आज हम अगर सिटी में शूट करें तो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइज नहीं किया था नथिंग पानी कोई साथ लेके नहीं चल रहा था सो दोज वर द थिंग्स डांस कर रहा हूँ ये लोग ही करें एंड वी आर इंट्रोड्यूसिंग विराज जोशी इज़ अ वेरी फेमस सेलिब्रिटी फोटोग्राफर एंड रनज अ वेरी बिग एजेंसी उसके बारे में भी मैं धीरे धीरे खोलूँगा सेकेंड सॉन्ग जो है इट्स कॉल तू चल पिंक मूवी जो आई थी अमिताभ बच्चन साहब की उसमें एक कविता थी तू खुद की खोज में निकल जो फॉर्चुनेटली मेरे मामू ने लिखी है मिस्टर तनवीर गाजी तो तनवीर गाजी साहब के साथ मिलकर वी आर डूइंग द रिप्राइज वर्जन ऑफ दैट सॉन्ग कवर नहीं बोलेंगे रिप्राइज ऑफिशियल उसका वर्जन बन रहा है और तीसरा गाना है किताब जो हम लोग मैंगलोर में शूट करें एक इन्फ्लुएंसर और बहुत अच्छी एक्ट्रेस है विदिता विश्वास उनके साथ तो ये तीन गाने हैं और ठहर जा इज़ ऑलरेडी ऑन फ्लोर इंशाल्लाह उसके बारे में जल्दी मैं रिवील करूँगा जितने भी सॉन्ग्स आ रहे हैं